बच्चों जय हिंद चैनल पर आप लोगों का स्वागत है मैं रघुवंशी सर आप लोग हालांकि परिचित हो चुके हो प्रैक्टिस करा रहा हूं और ऐसा किया जा रहा है इस आंदोलन पर प्रैक्टिस चल रही है आज प्रैक्टिस चार जा चुकी है आप लोगों को हम अपनी शैली बताने के लिए दो चार लेक्चर पढ़ा देते हैं तब मजा आएगी तब तो सही पर्सनैलिटी आप आंख पाओगे कि हाँ गुरु बनाया जा रघुवंशी सर को या नहीं बनाया जा आज हम किए हैं आपकी जो टॉपिक जा रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लेक्चर फर्स्ट आप सब आओ अब देखो जो भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल मोमेंट आप जानते हो ना ये यहां से समय याद कर लीजिए समय को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तीन कालों में विभाजित किया गया है लिखते हैं इधर देखो आप लोग भारतीय भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तीन कालों में विभाजित किया गया है ये तीनों कालों का समय है आइए लिख देते हैं एक नंबर पर लिखे बच्चों नरंदल काल समय अठारह से 1905 सौ पांच काल 1905 से 1919 नंबर पर गांधी काल उन्नीस उन्नीस से उन्नीस सौ सैतालीस ये है भारतीय राष्ट्रीय तीनों याद रखिए नरम गरम और गांधी क्या कैसे याद करोगे अठारह 1905, पचासी उन्नीस सौ पांच उन्नीस आइए नीचे लिख देते हैं बाद में भी लिखेंगे वैसे अभी मेरी क्लास ऐप पे शुरू होने जा रही है इसीलिए मैं अपनी शैली बताने के लिए बताएंगे ही नहीं तो जानकारी कैसे होगी आपको तो बीच में सर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और शुरुआत किया जाएगा कहाँ से पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ाएंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन शुरुआत वहां से होगी आज पढ़ लो आज जान जाओ आज समझ जाओ इसको हम ले लेते हैं ये देखिए तीनों याद रखिए आप लोग ये यहां पर कर लीजिए नरम दल के प्रमुख नेता ले लिए आओ बच्चों नीचे दिखाया जा रहा है कि यह है नरम दल नरम दल के प्रमुख नेता क्या लिख दिया जाए आइए बच्चों ये देखो नरम दल के प्रमुख नेता में पांच नेताओं का नाम लिख दादा भाई दादा भाई आये गोपाल कृष्ण गोखले आये फिरोज शाह मेहता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ठीक और मदन मोहन आई पांच नंबर पर मदन मोहन मालवी ये देख रहे पांच नरम दली नौरोजी गोखले मेहता बनर्जी और मालवी उसी के नीचे दे देते हैं बच्चों, क्या है कि चार गर्म ने गरम दल के प्रमुख नेता यहां पर दिखाए इधर देखो बच्चों गरम दल गरम तल के प्रमुख नेता चार्ल अरे जानते हो आप लोग लाल बाल पाल घोष लिख देते हैं हम क्या है लाला लाजपत राय एक नंबर पर लाला लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल बिपिन अभी बोर्ड पर बहुत हाथ सेट नहीं हो पा रहा है ना आज फर्स्ट डे है प्रैक्टिस के अलावा फर्स्ट डे पढ़ा रहे हैं सिर्फ बोर्ड पर सिटिंग बहुत नहीं हो पाए परेशान ना होना राइटिंग शानदार लिखते हैं बसरते फर्स्ट डे की वजह से बिपिन चंद्र बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष अरविंद घोष बच्चों ये देखो अगर चाहो आप तो नौ नेता का नाम याद कर सकते हो नरम और गरम की समस्या दूर हो जाएगी नरम दलित नवरोजी गोखले मेहता सुरेनाथ बनर्जी और मदन मोहन गरम दली नेता लाल ये है लाल बाल और बाल और घोष यही तो याद रहे नौ नेता है ना चलिए अब हम आते हैं एक क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों क्वेश्चन बना रहे हैं ये देखिए यही से उठाते हैं क्या क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय स्थापना के समय भारत का वायस राय लॉर्ड प्रफरी वो हेडिंग देते हैं बच्चों ये देखो हेडिंग पड़ गई लॉर्ड अठारह से अठारह अब आप लोग इतना याद रखिए अठारह सो से लेकर अठारह के बीच जितनी घटनाएं थी वायस राय भी पूछा जाता है उस समय वायस राय इंडिया का लॉर्ड डफरीन कहां से शुरुआत होगी हम लोगों की शुरुआत होगी हम लोगों की कांग्रेस की स्थापना ये दो क्वेश्चन याद है ना ये दो क्वेश्चन आप लोग याद रखिए तो कि यही रोके रहिए दो क्वेश्चन में अब हम यहीं पर ले लेते हैं हेडिंग दे देते हैं कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की कितने में अठारह ठीक कांग्रेस की स्थापना के समय एक अंग्रेज का स्टेटमेंट आया है आया है आप लोगों के पेपर अंग्रेज वेबर ये देखिए अंग्रेज क्या है <coughs> बेबर बर्न अंग्रेज बर्न कहा था क्या स्टेटमेंट यही कहा है क्या स्टेटमेंट कांग्रेस की स्थापना एक सेप्टी वाल्व के रूप में होने जा रही है बात समझो बच्चों, कि अंग्रेज का स्टेटमेंट है इसी का है ये लिख दिए कांग्रेस की स्थापना एक सेप्टी वाल्व के रूप में होने आप लोग पूछ रहे रघुवंशी सर इसका अर्थ बताओ इसका अर्थ क्या होगा अरे सेफ्टी अर्थ निकालिए कूकर अपने भारत के लोग बड़े आक्रोश में थे गुस्सा में थे तो ने कहा अरे यार एक आक्रोश गुस्सा को धीरे धीरे लो दो जैसे कुकर में सीट लगी रहती है ना तो दाल बन रही है चावल बन रहा उस गैस धीरे धीरे निकलती है ठीक वही हाल कहा कि एक सेफ्टी वाल्व लगा दो इन लोगों की गुस्सा कुकर के गैस की तरह एकाएक नहीं धीरे-धीरे गुस्सा निकले अरे भाई कुकर किचन में जाओ देखो अगर सिटी निकल गई तो भागना पड़ता है छोड़ करके अंग्रेज दिमाग लगाती है कि सेफ्टी वाल्व लगा दो सेफ्टी वाल्व लगा दोगे तो एक मरहम लग जाएगा ये लोग शांत हो जाएंगे यही था अंग्रेज क्लियर रखना बच्चों आओ चलें अभी कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई है ये देखो ये क्लियर नहीं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन डफरिन डफरीन के समय में ही चौरासी अब क्या किया जाए अब यहीं पर लीजिए आइए कांग्रेस की स्थापना धीरे धीरे अभी नहीं है अठारह सौ ये देखो बच्चों अठारह में कौन अठारह ए ए ओ ह्यूम एलन आक्टोवियन ह्यूम यहां लिखे एल पूरा नाम है एलन आक अठारह सौ चौरासी में एम अभी कांग्रेस की स्थापना नहीं है भारतीय राष्ट्रीय बच्चों समझो भारतीय राष्ट्रीय संघ ये है भारतीय राष्ट्रीय देखो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ की कि स्थापना किया भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय संघ क्वेश्चन बना है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार पहली बार किस वायस राय को आया था पहली बार किसके दिमाग में आया था सर्वप्रथम डफरिन एक कमेंट भी किया है इतना क्लियर हुआ हमने इतना हम लोगों का अगर क्लियर हुआ तो इसको उठाया जाए देख रहे बेबर कांग्रेस की स्थापना एक्सेप्टी वाल्व के रूप में होने जा रही है अठारह सो चौरासी में अंग्रेज एलाना तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था इतना क्लियर है ना चलो उठाते हैं आगे आइए आगे ले लेते हैं यही पल लीजिए अभी धीरे धीरे एक दो बोल्ड में सेटिंग बैठ जाइए <coughs> अब देखो धीरे धीरे सेट हो रहा है हाँ। कि देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ यहां लिखे देखो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में डफरीन hmm. के दिमाग में आया सर्वप्रथम अच्छा क्वेश्चन है डफरीन के दिमाग में आया था आओ पैरा चेंज करते हैं आ जाइए तो बच्चों इधर देखो अट्ठारह में भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका इतने में और इसका का अधिवेशन कहा होना था किस वजह से अधिवेशन नहीं हुआ कहा अधिवेशन हुआ किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया बस समझो चार पांच क्वेश्चन बना दिए ना भारतीय राष्ट्रीय संघ अठारह सौ पचासी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का अधिवेशन अधिवेशन महाराष्ट्र के अधिवेशन महाराष्ट्र के ऊना में होना था पूना में होना था किंतु पुणे भाई किंतु पूना में प्लेग जो आप लोग साइंस में पढ़ते हो प्लेग महामारी <स्थाँग> किंतु पूना में प्लेग महामारी ना में प्लेग महामारी के कारण के कारण यह अधिवेशन प्लेग महामारी के कारण यह अधिवेशन 28 दिसंबर 28 दिसंबर अठारह सौ पचासी में बंबई में हुआ और यहीं पर बंबई में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में कनवर्ट तो हो जाएगा देखो बच्चों बंबई में बंबई में हुआ ठीक इतना जानिए पहले बंबई में हुआ इधर तो हम लोगों का क्लियर है इधर क्लियर है ना इधर तो बता चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार पहली बार लॉर्ड डॉफरीन के दिमाग में आया था अठारह में भारतीय राष्ट्रीय संघ अधिवेशन महाराष्ट्र के पुणे में होना था किंतु पुणे में प्लेग महामारी के कारण यह अधिवेशन पुणे में न होकर 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के भवन में हुआ अधिवेशन चल रहा है देखो बच्चों संस्कृत विद्यालय के भवन में हुआ आगे बढ़ाए यहां यही लगाइए क्या है आइए देखते हैं संस्कृत विद्यालय के भवन में हुआ संस्कृत विद्यालय के भवन में हुआ आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय संघ का अधिवेशन चल रहा था चल अधिवेशन चल रहा है चल रहा था इसी समय बच्चों देखो इसी इसी समय दादा भाई दादा भाई नवरोजी दादा भाई नवरोजी के सुझाव पर दादा भाई नवरो जी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर अब देखना नाम बदल कर, ना? कर। इधर लिख देते हैं नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रसर संस्था पूर्वगामी संस्था भारतीय राष्ट्रीय संघ आप देख लेंगे लॉर्ड वायसराय लॉर्ड डफरीन कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा था कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्म दर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है आया हुआ क्वेश्चन है लॉर्ड डफरीन लगाए रहे यहीं पर ये यहीं पर यहां ले लेते हैं लॉर्ड डॉफरीन कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा था मजाक उड़ाते हुए मजाक उड़ाते हुए बच्चों उड़ाते हुए कहा था क्या कहा देखिए कहा था ये ले लीजिए कांग्रेस ये है कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है अब इसको रिवीजन मार दो रिवीजन जरूर कराते हैं इसको रिवीजन क्या मार दिया जाए देखिए भारतीय राष्ट्रीय कैसे बच्चों इधर देखो भारतीय राष्ट्रीय संघ का अधिवेशन चल रहा था इसी समय दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया ठीक ठीक डफरीन कांग्रेस का क्या मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है छोटे से लोगों सूक्ष्मदर्शी मतलब छोट अल्पसंख्यक लोगों की डीलिंग करती है कांग्रेस क्लियर ना क्लियर ना चलो कांग्रेस का अधिवेशन लिखते हैं बच्चों आओ देखो यही लिख देते हैं हटा देते हैं इसको ए पेन यही लिखा जाए यहां दिखा जाए कांग्रेस का आप देखोगे आप लोगों का पूछना है कि इस अधिवेशन का क्या मतलब है समझ जाइए आज भी अधिवेशन होता है बजट कालीन अधिवेशन दिमाग लगाइए बजट कालीन अधिवेशन वर्षा कालीन अधिवेशन पोल्ट्री में आप लोग पढ़ रहे। वर्षा कालीन अधिवेशन कालीन अधिवेशन आज भी होता है आप अधिवेशन को क्या कहोगे नेताओं की विशेष बैठकों में विशेष बातों पर चर्चाएं विशेष बैठकों में विशेष बातों पर चर्चाओं को क्या ना कांग्रेस का अधिवेशन कंटिन्यू हर साल कहा से ये देखिए उन्नीस सौ नहीं कहेंगे अठारह ये है अठारह पचासी समझो आप लोग अठारह सो से लेकर 1940 तक कांग्रेस का अधिवेशन कंटिन्यू लगातार हर साल बात समझना किसी गांव में या किसी शहर में हर साल साल में एक बार अधिवेशन विशेष बातों पर चर्चाएं नेता इकट्ठा होते थे चार अधिवेशन क्रम से आज के ही सत्र में बता दे रहे हमको लगता है उसी चार का ही समय मिल पाएगा आओ देखो हेडिंग देने जा रहे हैं बच्चों हेडिंग देने जा रहे हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही दे दिया गया ये देखो बच्चों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन क्वेश्चन बना दिया जाए बच्चों ये देखो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब कहा अध्यक्ष कौन था कौन कांग्रेसी नेता भाग नहीं लिया कितने प्रतिनिधि भाग लिए किस कैटेगरी के लोग थे चलो लिख देते हैं अरे जहां कांग्रेस की स्थापना हुई बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में वो 28 दिसंबर वहीं ये हुआ था कि आओ लगे हाथ पहला अधिवेशन निपटा देते हैं उसी जगह पर उसी समय याद रखो बच्चों आओ लिख देते हैं 1850 में ये देखे अठारह में बंबई में अठारह में ये देखो बच्चों बंबई में प्रथम अधिवेशन प्रथम अधिवेशन बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था इस इस अधिवेशन के अध्यक्ष इस अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष बोमेश चंद्र बच्चों ये देखो बोम चटर्जी नहीं बनर्जी थे बोमेश चंद्र बनर्जी थे ठीक कब कहा अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे आ जाओ सुरेंद्र अच्छा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अभी बात में ले आओ इसको हटा दीजिए इस अधिवेशन में बहत्तर प्रतिनिधि प्रथम अधिवेशन में इसी के आगे ले लेते हैं बच्चों इस अधिवेशन में इस आ, अधिवेशन में कितने बहत्तर प्रतिनिधि भाग लिए थे किस कैटेगरी के लोग थे ज्यादातर वकील व्यापारी जमींदार वकील व्यापारी जमींदार थे ज्यादातर लोग ज्यादातर लोग वकील ज्यादातर लोग वकील व्यापारी और जमींदार थे एक पक्षों ज्यादातर लोगों के लिए अठारह में सुरेंद्र नाथ बनर्जी किसकी भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे इसको लिखवाए ये तो तो आपका क्लियर हुआ ना इतना देखिए सूर्यनाथ बनर्जी बाद में चले आए थे इसमें देख क्लियर हो गया इतना हम का कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन अठारह में बंबई में प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी बॉमेश चंद्र बनर्जी थे पहले अधिवेशन में बहुत तर लोग भाग लिए थे ज्यादातर लोग वकील व्यापारी और जमींदार थे क्लियर ना? कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन लंबा है दादा भाई नवरोजी के बारे में सब छिटका फुटका सारा मैटर दे देंगे अरे इसको हटा देते हैं ये ले लिया जाए बच्चों ये देखो यही हम दिखा देते हैं कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन यहां दिए कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कितने में अठारह सौ छियासी द्वितीय अधिवेशन कब कहा अध्यक्ष आइए यह अधिवेशन यह अधिवेशन अठारह में 1886 में कहा कलकत्ता में हुआ था ठीक भारत का वयोवृद्ध नेता देखो बच्चों भारत का वाय वृद्ध नेता दादा भाई नोजी इस अधिवेशन इस अधिवेशन के क्या थे बच्चों अध्यक्ष थे दादा भाई नवरोजी पर जो चार पांच छह क्वेश्चन छिटका हुआ है एक जगह नहीं मिल पाता सब बटोर देते हैं हम ध्यान सुनो आप लोग तो। दादा दादा भाई नवरोजी को आगे बढ़ा रहे हैं नवरोजी को नवरोजी को क्या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है ये देखो बच्चों जाना जाता है उसके अभी आज यही तो हल करा रहे थे दादा भाई नवरोजी यहां से ले लेते हैं नवरोजी नवरोजी कांग्रेस का सबसे अधिक बार सबसे अधिक बार यानी तीन बार अध्यक्ष बने थे तीन बार पहली बार यही है क्या है बच्चों ये देख लो 1886 कलकत्ता अधिवेशन ये ऊपर जो लिखे हैं पहली बार अध्यक्ष बने, दूसरी बार अठारह सौ तिरानवे लाहौर अधिवेशन तीसरी बार उन्नीस सौ कलकत्ता अधिवेशन तीन बार तीन बार से अधिक कोई नहीं बन पाया था सबसे अधिक बार सबसे अधिक समय नहीं सबसे अधिक समय तक न अबुल कलाम आजाद उन्नीस से उन्नीस तक कांटे अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष सबसे अधिक बार और सबसे अधिक समय दोनों अलग अलग है आप देखो ये पेज आपका हम कवर कर लिए हैं आओ थोड़ा सा देखें क्या है बच्चों कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था भारत का व्ययवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था जाना जाता है नौरो कांग्रेस का ये देखिए सबसे अधिक बार अध्यक्ष बने आप कहोगे मोती तो जवाहरलाल नेहरू भी तीन बार अध्यक्ष बने थे उन्नीस में लाहौर अधिवेशन पहली बार 1936 में लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू 1937 में बंगाल फैजपुर अधिवेशन तीनों का बराबर हो गया जब बराबर हुआ तो एच फैक्टर देखा गया उम्र देखी गई उम्र में कौन भारी पड़ रहा है तो दादा भाई नौरू जी वैसे भी उम्र में देखेंगे तो वयोवृद्ध दे लिखा हुआ है इसलिए इतिहासकारों द्वारा सबसे अधिक बार कांग्रेस अध्यक्ष दादा भाई जी। क्लियर ये चीज क्लियर हो गई ना आओ चलो अठारह में लंदन में दादा भाई नवरो जी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे इसको हटा दिए हम आओ बच्चों ये देखो अठारह अठारह में दादा भाई नौरोजी कहा बच्चों लंदन में लंदन में ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया एसो सिएन ये है कि ठीक बच्चो स्ट्री इंडिया राप्त गोपतार तथा एक पत्र है तथा क्या नाम है बच्चों रात गोपतार पत्रिका का प्रकाशन किए थे पत्रिका का प्रकाशन ठेक इतना हुआ भारतीय आय का सर्वप्रथम आकलन नवरोजी किए थे आइए अगला क्वेश्चन लिए भारतीय आय का प्रथम आकलन नौरोजी ठे किए थे किए थे, थे? ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय नेता नौरोजी ये देखिए यही लिख देते हैं इसी के आगे बढ़ा दिए ब्रिटिश बच्चों ये देखो छोटा सा मेरा लेक्चर देख लीजिए इस पर मत जाना केवल पढ़ाने का तरीका देख लो जो डेमो क्लास होती है ट्रायल होती है वो यही देखा जाता है अगले बंदे की कही हुई बात पकड़ में आ रही है या नहीं पढ़ाने के लिए तो बहुत गहराई तक जाकर के पढ़ाएगी ब्रिटिश संसद में इसी तरह क्वेश्चन आया ब्रिटिश संसद में चूने जाने वाले इसी तरह पूरी हिस्ट्री पढ़ा देते हैं एक भी चीज आप लोगों को इधर उधर किताबों में नहीं भटकना पड़ेगा पढ़ना तो किताब पढ़िए का पहले नोट्स होना चाहिए ये नोट्स अपने हैंड राइटिंग में बनना चाहिए ये तो आएंगे प्रयागराज में तो मेरा नोट्स मिल जाएगा किंतु तो दूसरे का नोट्स नहीं पढ़ पाते हैं लोग बातें नहीं क्लियर हो पाती है ये भी जानो आप लोग ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले चुने जाने वाले प्रथम भारतीय नेता चुने जाने वाले प्रथम भारतीय नेता नौरोजी थे नौरोजी थे अठारह बानवे में अठारह बानवे में लिबरल पार्टी उदारवादी पार्टी से ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे याद रखिए अठारह बानवे में उदारवादी आया हुआ आज ही हल करा रहे थे उदारवादी पार्टी या लिबरल या लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद में चुने गए थे ब्रिटिश संसद में गए थे ठीक ना इतना हुआ आ जाइए, आ जाओ फिर से आइए कि ये क्या है कि 1866 में नोजी कहा लंदन में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे तथा राप्त गोप्तार नामक पत्र, बिना रिवीजन किए मजा नहीं आती हमको खुदा नहीं संतोष होता है का प्रकाशन किए थे भारतीय आय का ये देखिए भारतीय आय का पहली बार सर्वप्रथम आकलन दादा भाई नौरोजी जी किए थे ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय नेता कौन दादा भाई नौरोजी अठारह में उदारवादी या लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद में चुने गए थे बच्चों अभी और दो पुस्तकें हैं इनकी जो है तो हमको लगता है दादा भाई नौ अरे ये पूरा कर देते हैं नवरोजी की प्रसिद्ध पुस्तकें यहीं पर लिख देते हैं ये लिख लीजिए नवरोजी यहां लिख दिए दादा भाई दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तकें दो लिख दे रहे हैं क्या है एक है धन के निष्काशन का सिद्धांत और दूसरा है पावर्टी ऑन बेट्रेस रोल है रोल इन इंडिया दस अब आज के डेट में इतना ही हो सकता है आगे फिर हम आपको ट्रायल में ही ये सब है अभी हम शुरू नहीं किए शुरू तो ऐप से होगा पेड बैच में शुरू चलिए नवरोजी की प्रसिद्ध दो पुस्तकें एक धान के निष्कासन का सिद्धांत और पॉवर्टी बिट्रीस रूल इन इंडिया बताना बच्चों पढ़ करके क्लास कैसी लगी अभी तो आज पहला दिन था ना थोड़ा तालमेल बहुत दमदार क्लास धन्यवाद आशीर्वाद सबको फिर मिलते हैं